सर्वे का काम चल रहा है, आप अनुमंडल पदाधिकारी हैं सर, सर्वे का ये जो टाइमलाइन क्या होगा? पहले तो बता दें कि सर्वे खास करके जिला प्रशासन के लिए बहुत ही आवश्यकता था और आम जनता के लिए भी बहुत जरूरी था। आप देख रहे हैं कि आए दिन भूमि विवाद के जो मामले बढ़ रहे हैं और उससे अपराध भी बढ़ रहा है, तो इसमें सबसे जो बड़ा कारण था कि हम लोग के पास लैंड रिकॉर्ड है जो अपडेटेड नहीं है। खतियान जो कैडस्ट्रल सर्वे हुआ वो काफ़ी लंबे वक्त के तक पहले हुआ है और उसके बाद आर एफ सर्वे हुआ तो वो भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, कुछ कुछ जिलों में है। तो ये जरूरी थी समय के हिसाब से भी कि सर्वे कराया जाए और राज्य सरकार इसके लिए काफ़ी समय से प्रयास भी कर रहा था। तो अब सर्वे का काम शुरू हो गया है। इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं जिसको आम जनता जानना भी चाहता है और कुछ लोगों में गड़बड़ाहट भी है, कुछ अंदेशा भी है कि कौन कौन सा प्रपत्र जमा करना है। तो इस संबंध में हम लोग का सर्वे का काम शुरू हो गया है और आम सभा भी हर मौजों में कराया जा रहा है और क्या क्या उनको दस्तावेज देना है ये भी बता दिया जा रहा है उनको। सोशल मीडिया के जरिए कुछ अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ हैं कि कुछ अलग तरह का डॉक्यूमेंट देना है, तो आम जनता को है कि पूरे पारदर्शी तरीके से है और जो भी दस्तावेज उपलब्ध कराना है उनको बता दिया गया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे देखिएगा तो अभी मेरे कार्यालय में भी ये वंशावली को एफिडेविट कराने के लिए काफ़ी संख्या में लोग आ रहे थे जबकि स्व अभिप्रमाणित प्रति ही उनको उपलब्ध कराना है। सादे कागज़ पे अपना अगर वंश वृक्ष बना करके दे देते हैं वो, तो वो भी हम लोग उसको कंसिडर कर रहे हैं और विभाग के द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि आप स्व अभिप्रमाणित ही दें, किसी तरह का एफिडेविट वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। सर, वंशावली में बताया गया कि सरपंच से कराना होता है, तो उसके लिए सरपंच नहीं, सरपंच से कराने का तो वंशावली का है। अभी जो रिक्वायरमेंट है जो आप सेल्फ अटेस्टेड करके दे सकते हैं, आप सिर्फ ये अभी प्रमाणित कर दे रहे हैं कि मेरे द्वारा वंशावली दिया गया है, बस उसी का रिक्वायरमेंट सर, लोगों के दिमाग में इस सर्वे को लेकर के तमाम सवालात हैं जो आपसे आज बात करेंगे सर। है। सर्वे का सर टाइम लाइन कितने दिन का होगा? राज्य सरकार के द्वारा और अभी विभाग के द्वारा 1 साल का वक्त तय किया गया है कि 1 साल में हम लोग कंप्लीट कर लें। सर, और किन किन चरणों में क्या क्या काम होगा? पहला चरण है जैसे पहले तो जागरूकता फैलाना था कि आम लोग जान जाएं कि हमारा सर्वे शुरू हो गया है और इस संबंध में अपना है जो दावा प्रस्तुत करें वो, तो हर मौजों में आम सभा किया जा रहा है। कुछ कुछ अंचल में मौजों की संख्या अधिक है तो इसके चलते कुछ समय अधिक लग रहा है, लेकिन 1 सप्ताह के भीतर खास करके जो हमारा अनुमंडल क्षेत्र है सभी जगहों पे आम सभा की बैठक कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद है जो फिर ऑन स्पॉट जा करके हमारे अमीन जाएंगे, हमारे कानून हो जाएंगे, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी भी होंगे और वहाँ पे जा करके टाइम लाइन आप समझ लीजिए। पहले मैं ठीक से ही ये कर दूँ, पूरा बता दूँ। जी, एक तो हो गया पहले आम सभा कराना, आम सभा कराने के बाद उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है रैयतों से, रैयत को देना है प्रपत्र भर करके। प्रपत्र 2 में सबसे पहले उनको देना है कि उनके द्वारा जो भूमि है जो धारित कर रहे हैं भूमि को, तो उसके संबंध में विवरणी हम लोग को प्रस्तुत करेंगे। साथ में उनके साथ जो साक्ष्य उपलब्ध होगा जैसे ऑनलाइन रसीद हो या ऑफलाइन रसीद है, जो भी उपलब्ध उनके पास है उसका प्रति दे देंगे। अगर खतियान है तो खतियान दे देंगे, अगर कोई ज़मीन खरीद किया गया है, क्रय किया गया है उनके द्वारा तो डीड का कॉपी उपलब्ध करा देंगे हम लोग को। अगर बदलाइन किया गया है उस स्थिति में भी हम लोग को डीड का कॉपी उपलब्ध करा देंगे। अगर उनको ये हो गया है जैसे आप समझिए इसको जैसे मर गए हैं, कोई जमाबंदी दार जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनका वंशावली चाहिए। ये अब वंशावली है जो अभी प्रमाणित खुद से ही करके देना है, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से या किसी से करा करके देना है। तो यही सब जो कागजात हैं उनको देना है और इसमें कोई हड़बड़ाना नहीं है कि हम ये कागज नहीं दिए वो कागज नहीं दिए। जब ए दे देंगे प्रपत्र 2 प्रपत्र 3 में जो इन्फॉर्मेशन उनसे बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग ऑन स्पॉट वेरिफिकेशन करेंगे उसका, जा करके देखेंगे कि ये दखल कब्जा वगैरह किसका है और
अगर छूट गया है कोई कागजात तो उस समय भी वो उस समय दे सकते हैं। सर, आम रैयतों को कौन कौन सा प्रपत्र भरना है? प्रपत्र दो और प्रपत्र तीन है। प्रपत्र दो में वही है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है कि उनके पास कौन कौन से खाता, कौन कौन से प्लॉट में कितनी कितनी भूमि है, रकबा क्या है, उसका विवरण देना है। उसका साक्ष्य जो उनके पास उपलब्ध होगा वो लगा करके दे देंगे। और प्रपत्र तीन में है जो उनका वंशावली है उसको स्वाभि प्रमाणित करके उसको दे देना है। सर, जो जमाबंदी रसीद कटवा रहे हैं, ऑनलाइन भी कटवा रहे हैं, उनको क्या करना है सर्वे में? जमाबंदी तो कटा रहे हैं तो जमाबंदी उनका चल रहा है। अगर ऑनलाइन रसीद उनका कट रहा है तो अगर मान लेते हैं कि अगर कोई और पक्ष है जो उस पर दावा प्रस्तुत करेगा तो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि नहीं भाई मेरा दावा है और मेरे दखल कब्जा में है, चाहे जो है तो उस विवाद का भी निपटारा किया जाएगा। सर, जिनके पास केवाला है, दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, उनको क्या करना है? जिनके पास केवाला है, दाखिल खारिज नहीं कराया है, नहीं दाखिल खारिज के लिए तो अगर केवाला है तो पहले तो आवेदन वो देते हैं ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए, उनको तो दाखिल खारिज कराना ही है। दूसरे तरफ जब टीम जाएगा वहाँ पे ऑन स्पॉट जाएगा तो वो देखेगा कि इस पे कब्जा किसका है। कब्जा मान लेते हैं कि जो खरीदार हैं उन्हीं का कब्जा है या जो जिनसे खरीदे हैं उनका कब्जा है, तो उस समय भी वो अपना दस्तावेज दे सकते हैं, डीड का कॉपी वगैरह जो भी। सर, जो लोग सरकारी जमीन पर बसे हैं और भूमि उनकी नहीं है, उनको क्या होगा इस समय? दो चीज़ है, एक तो कि अगर सरकारी जमीन पे बसे हैं तो ऑथराइज रूप में बसे हैं कि नहीं, उसका बंदोबस्ती उनको किया गया है कि नहीं। अगर सही में कोई भूमिहीन है जिनको आवासीय भूमि उपलब्ध नहीं है तो हम लोग का प्रावधान है, सरकार का विभाग का प्रावधान है कि उनको हम लोग आवासीय भूमि उपलब्ध कराते हैं, तो उनको हम लोग वासीगत पर्चा या बंदोबस्ती पर्चा वगैरह हम लोग निर्गत करते हैं। अगर नहीं है तो अभी तो अतिक्रमणकारी के रूप में वो है। हम लोग का अभियान बसेरा 2 भी चल रहा है, अभी आप देखे होंगे कि लगभग एक सप्ताह पहले ही हम लोग 300 लोगों को पर्चा दिए हैं और बाकी लोग को भी दे रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए वो दखल कब्जा तो उनका है ही, वो दिखाएंगे कि मतलब भाई हम यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं, तो जाएगा टीम तो देखेगा ही और सही में है कि नहीं है इसकी भी जाँच जरूरी है। वो तो बाकी जो हमारे अंचल के कर्मी हैं, राजस्व कर्मी हैं, चाहे अंचल अधिकारी हैं, वो जाँच करेंगे कि एक्चुअल में भूमिहीन है कि नहीं। सर, कुछ रैयती जमीन का विवाद आता है जिस पर दखल किसी और का होता है और ऑनर किसी और होता है, इसमें क्या किया जाएगा? नहीं, दखल किसी और का है, वो दखल कैसा है, मतलब दखल उसका वैध है अवैध है। मान लेते हैं कि भाई वो हमारे कोई पटीदार हैं, हमारे ही बम वृक्ष के हैं और कुछ पार्टीशन से रिलेटेड इशू है, तो ये देखना है। मेनली ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि उनको कोई मतलब ही नहीं आकर के कब्जाए हुए हैं, तो उसमें एक एडवर्स पोजिशन का बात रहता है, तो ये सब समस्याओं को सुना जाएगा और विस्तृत तौर पे फोन करके ही उनको मौका उपलब्ध कराते ही 2-3 चरणों में फाइनलाइजेशन, तो आगे की बहुत लंबी प्रक्रिया है। सर, कुछ ज़मीन है जो दादा के नाम से ज़मीन है और परिवार में 10 लोग हैं और खतियानी ज़मीन है, तो ये सर इसका समाधान कैसे होगा? वो बम्फ वृक्ष अपना देंगे बना करके कि ये है, और साथ में जो है एक शेड्यूल बना करके दे देंगे, जैसे आपसी बंटवारा करते हैं तो हम लोग ये है जो स्टाम्प पेपर पे करके देते हैं कि इतने इसमें हिस्सेदार हैं और इनका भूमि ये है, तो आपसी सहमति से सब लोग साइन करके दे देंगे उसी को। सर, कुछ अशिक्षित रैयत भी हैं जिसमें SC ST समुदाय के अधिकतर लोग हैं, सर उनको फार्म भरने नहीं आता, तो उनको किस प्रकार से जिला प्रशासन? जो हमारा टीम जाएगा, इसीलिए तो आम सभा भी हम लोग करा रहे हैं और जो कैंप हम लोग का होगा, हर एक अंचल स्तर पे कैंप होगा, जो कागजात उनके पास उपलब्ध होंगे वो आ जाएंगे, हमारे जो कर्मी होंगे उनको सहायता प्रदान करते हुए फॉर्म वगैरह करा। सर, सवाल एक और है कि अगर सर्वे में अमीन गलत तरीके से चढ़ा देता है तो फिर इसमें क्या होगा, निपटारा कहाँ करवाएंगे? निपटारा अभी तो वही बता रहे हैं कि अगर पहला तो है कि स्पॉट वेरिफिकेशन है, उसके बाद खाना पूरी होता है, खाना पूरी होने के बाद फिर वो प्रकाशित होगा, प्रकाशित होने के बाद बोलेगा भाई कि आप अपना इसको चेक कर लीजिए ठीक है कि नहीं, अगर कुछ त्रुटि है तो उसमें दावा आपत्ति देंगे, दावा आपत्ति देने के बाद फिर से प्रकाशन होगा उसको ये करेंगे, तो फिर दूसरे बार फिर दावा आपत्ति मांगा जाएगा, उसके बाद फिर 2-3 चरणों के बाद फिर फाइनलाइजेशन होगा उसका। सर, जो सर्वे हो रहा है ऑनलाइन, वो ऑनलाइन होगा, वो कितना पारदर्शी होगा? सर्वे पूरी तरह से पारदर्शी होगा, इसीलिए तो हर लेवल पे चेक एंड बैलेंसेज है, बैलेंस है, उसमें कोई ये वाली बात नहीं है, संशय की स्थिति कोई नहीं है, और अब टेक्नोलॉजी का भी युग है तो
मतलब पारदर्शिता तो बरकरार ही देख रहे हैं कि सारा प्रक्रिया ऑनलाइन है, तो कोई भी कहीं से सर पिछला पिछला रिविजनल सर्वे हुआ था जिसमें त्रुटि कई त्रुटियां थी, और इस बार जिस पर कई लोगों का टाइटल सूट भी चल रहा है, और अभी जो सर्वे होगा सर एसपी स्पेशल सर्वे है शायद, तो इस सर्वे को सर कितना आप सही मान रहे हैं? नहीं, सर्वे तो हम लोग की पूरी कोशिश है कि चूंकि सारा विवाद का कारण यही है, तो विभाग का तो पूरी कोशिश है कि हम लोग सर्वे कराएं और पूर्णतः पारदर्शी तरीके से कराएं, लिमिट टाइम में कराएं और सारा विवाद खत्म हो, तो इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। पहले समय मतलब आप आरएस सर्वे के टाइम में देखिएगा तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं था, अभी टेक्नोलॉजी वगैरह का भी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ कोई नहीं भी है बाहर भी है, तो जब जब पब्लिश होगा ये तो बाहर से भी देख सकते हैं, दावा आपत्ति कर सकते हैं, तो और सुनने का पूरा समय देते हुए सभी पक्षों को सुनने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा, और उनके प्लॉट का उनका जो टाइटल है या जो खतियान में जो एंट्री होगा उनको पर्याप्त समय दे करके फोन करके ही किया जाएगा। सर कुछ ऐसा भी स्थिति आता है जैसे कि आपदा आ गया, आग लगी हो गया, सारा डॉक्यूमेंट उसका जल गया, तो वो क्या करेगा? डॉक्यूमेंट उनके पास से जल गया, अंचल में तो रिकॉर्ड है ही ना, अंचल से अपना प्राप्त कर लेंगे। अंचल से भी कुछ ऐसा समस्या आता है सर कि वो पेज ही खत्म हो गया, तो कुछ तो अपवाद की स्थिति होगी, तो उसको विशेष तौर पर फोन करके ही वो किया जाएगा, उसके लिए अलग से समय दे करके जो हमारे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी रहेंगे कानून को रहेंगे उस पर। सर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ से चले गए हैं और ज़मीन उनका है, उनके पास केवल कागज़ ही हैं, तो उनके लिए क्या सलाह? कागज़ अभी तो ऑनलाइन माध्यम से भी ऐप वगैरह भी शायद विभाग का डेवलप हुआ है, तो उससे भी कर ही सकते हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।